नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और आपके साथ मैं हूं नितिशा। नैनीताल से वन कर्मियों द्वारा युवक को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया था। ऐसे में धारचूला के पीड़ित युवक की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पंगुट की वन रेंजर समेत कर्मचारियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटवारी अमित शाह ने बताया कि धारचूला क्षेत्र के बुद्धि तहसील निवासी भास्कर सिंह ने तहरीर देकर वन रेंजर और उनके स्टाफ पर बंधक बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। ऐसे में भास्कर की तहरीर पर वन रेंजर और उनके स्टाफ कर्मचारियों पर बंधक बनाकर मारपीट करने, गाली गलौज करने एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, हमारे पास 8 तारीख को जो FIR आई थी फॉरेस्ट और उसके स्टाफ के विरुद्ध, उसमें FIR दर्ज कर दी गई है SC ST एक्ट में और मारपीट में FIR दर्ज। इसमें धाराएं मारपीट की है, SC ST एक्ट की है, उसको उनका आरोप लग, उन्होंने आरोप लगाया कि 2-3 दिन बंद किया गया, उसकी धारा लगाई गई है। अब देखिए, अब आगे कार्रवाई, हमने इसमें SC ST एक्ट का मुकदमा है जिसमें कि CO स्तर का गजिस्टर्ड ऑफिसर करता है, आगे रिपोर्ट बना के DM साहब को भेजी जाएगी।